সদনৰ মজিয়াত আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে বক্তব্য ৰাখিলে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ বা অবিশ্বাস প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত কিন্তু সেই বিষয়ে ব্যাপক হাৰত আলোচনা হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাহুল গান্ধীয়ে বক্তব্যৰ শেষত স্মৃতি ইৰাণীসহ মহিলা সাংসদসকললৈ চাই এটা ফ্লাইং কিছ দিয়াক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ চুমা বিতৰ্ক करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये कैसा बिहेवियर है? इस टोटली इंडिसेंट, टोटली इनएप्रोप्रिएट एंड टोटली मिसबिहेविंग विद वुमेन। ब्रिजभूषण पर उनको आपत्ति नहीं दिखती। ब्रिजभूषण ने क्या क्या किया है, क्या क्या करा है, सारे पुलिस रिपोर्ट में है। दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही। এইবাৰ আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ ৰাহুলৰ চুমাক লৈ। ফ্লাইং কিছ, ফ্লাইং কিছটো ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিত বা প্ৰাচ্যৰ সংস্কৃতি যিসকলে জানে তেওঁলোকৰ বাবে ফ্লাইং কিছটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। খেলপথাৰত ক্ৰিকেটাৰে তলত থকা সমৰ্থকসকলে চিঞৰ বাখৰ কৰিলে ফ্লাইং কিছ দিয়ে। কিন্তু ভাৰতত ফ্লাইং কিছ এতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হোৱা নাই, ভাৰতীয় সংস্কৃতিয়ে গ্ৰহণ নকৰে। আজি সদনৰ মজিয়াত অভিনৱ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। ৰাহুল গান্ধীয়ে সদনৰ মাজত বক্তব্য শেষ হোৱাৰ পিছত স্মৃতি ইৰাণীয়ে বক্তব্য আগবঢ়াব উঠিছে। সেই সময়তে ৰাহুল গান্ধীয়ে স্মৃতি ইৰাণীক এইদৰে ফ্লাইং কিছ দিছে। ফ্লাইং কিছ দি সদনৰ পৰা বাহিৰ হৈ গৈছে। ৰাহুল গান্ধীক মন কৰক, ৰাহুল গান্ধীক ক্লোজ আপত চাওক। এইদৰে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত স্মৃতি ইৰাণী তথা মহিলাসকলক এটা ফ্লাইং কিছ দি ঘটনাস্থলীৰ পৰা বিদায় লয়। আচলতে ৰাহুল গান্ধীয়ে বক্তব্য শেষ কৰি সদন ত্যাগ কৰিব ওলাওঁতে শাসকীয় দলৰ ফালৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীক বহিবলৈ কোৱা হৈছিল, কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে এইদৰে ফ্লাইং কিছ দি সদনৰ পৰা ওলাই যায়। লগে লগে সদনৰ মজিয়াত বিষয়টো উত্থাপন কৰে বিজেপি নেত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে। বাত পৰ মই আপত্তি অভি দৰ্জ কৰতি হওঁ অধ্যক্ষ জী, কি জিনকো আজ মুঝসে পহলে বক্তব্য দেনে কা অধিকার দিয়া গয়া, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विथ सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, ये आज सदन में देश को पता चले। लेकिन कहां गए राहुल गांधी फ्लाइंग किस और पिसोदी एनडीए अधीनस्थ 22 गोराकी कोई महिला सांसदे लोकसभार अध्यक्ष और एखन অভিযোগ পত্র দাখিল করে আর রাহুল গান্ধী অভব্য ব্যবহার করেছে বলে বক্তব্য আগবায়। বিজেপির সাংসদের প্রতিক্রিয়া আছে এই ধরনের, ऐसा व्यवहार हम देख रहे हैं। सब सीनियर मेंबर्स बता रहे हैं, कभी भी इतना साल का हमारा सर्विस में, हमारा मेंबरशिप में, हम पहली बार ऐसा प्लेइंग किस करने का एक बिहेवियर पार्लियामेंट का अंदर देख रहे हैं। वो तो राहुल गांधी भाषण खत्म किया, उसके बाद स्मृति जी बोलने वाली थी, वो कड़ी हुई थी, हम सब कड़े थे। वो राहुल गांधी वापस जाने वाले थे, हमने बताया आप बैठिए सुनिए, आपको हम सुना है एंड हमारे आप सुनिए, ऐसे हम बोल रहे थे। वो दो स्टेप आगे आया, हम सबको देख के प्लेइंग किस किया। ये कैसा बिहेवियर है? इस टोटली इंडिसेंट, टोटली इनअप्रोप्रिएट एंड टोटली मिसबिहेविंग विद वुमेन मेंबर्स। इट इज अनएक्सेप्टेबल, दैट्स व्हाई वी कंप्लेंट स्पीकर टुडे एंड टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन। राहुल गांधी फ्लाइंग किसर पर वक्तव्य रखिसे बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। क्या हो गया राहुल गांधी को? इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको क्या? बहुत पीड़ा हुई है। बाकी उनका भाषण क्या था? भारत माता की हत्या कर दी। राहुल गांधी, आप चाइना से दोस्ती की बात करें, फंडिंग लें, भारत माता अजेय है और अमर है, लेकिन आपको भारत माता की साख कौन बताएगा? अब चलिए, राहुल गांधी से और अपेक्षा क्या करती है?
राहुल गांधी जितना बोलते हैं, राहुल गांधी अपने व्यक्तित्व को उतना ही हल्का करते हैं। राहुल गांधी सचाक महिला सांसद फ्लाइंग किस कर निकी इतर्क कांग्रेस महिला नेता इे राहुल गांधी स्मृति ईरानी तीव्र भाषा समालोचना कर कहानियां बनाने की आदत है इनकी, सच्चाई फेस करने की आदत नहीं है। सच्चाई ये है कि कोई भी सदन में आज स्मृति ईरानी दोबारा मैं ये कहती हूँ कि कहानी घर घर की बहुत हो गया है। ये आप कोई टीवी सीरियल का एक्टिंग नहीं कर रहे हो। आप विकास बाल विकास मंत्री है, महिला विकास मंत्री है, क्या आपने हिम्मत की मणिपुर की बहनों की जो सच्चाई है बयान करने की सदन में, आप अपने फर्ज से भाग रहे हो। कृपया करके झूठ को सच और सच को झूठ मत बनाना। मैं आपके से ये भी कहूँगी स्मृति ईरानी जी को कि वो संस्कार की बातें जो है ना वो उसके मुँह से अच्छी नहीं लगती है। बहुत देख लिया संस्कार उसके, मुझे तो दुख होता है ये भी बयान करने में कि मुझे दुख होता है अपनी एक बहन के जिंदगी पे संस्कार की बातें उसके मुंह से शोभा नहीं देती। ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है, आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपनी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मणिपुर पर बात हो रही है, हर वक्त मुद्दे से बरगलाने की, मुद्दे से भटकाने की कोशिश बंद कर दीजिए। दम है तो मणिपुर पर बात करिए। बेवकूफी का आपने वहां पर भाषण दिया और अभी फैक्ट चेक करूंगी मैं और बताऊंगी कैसे आप वीपी सिंह की सरकार में शामिल थे, समर्थन दे रहे थे। जिन वाक्यों को आपने गिनाया तब आपके लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया। आज आप क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करती है, किस मुंह से बात करती है क्विट इंडिया मूवमेंट की। जिस दिन महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का आवाहन किया था, मौलाना आजाद हमारे अध्यक्ष है, नेहरू पटेल आजाद गांधी गिरफ्तार हुए आज के दिन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखकर बोला था कैसे उस आंदोलन को कुचला जाना चाहिए। मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चला रहे थे। इनको क्या लगता है इनके झूठे आक्रोश से इतिहास बदल जाएगा। स्मृति ईरानी अपनी बेकार की बातें बंद करें। 78 दिन तक जो बोल नहीं पाया उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है सदन में बोलने का। राहुल गांधी फ्लाइंग किस बस सुमा संक्रांत गौरव गगर भाष्य आईरण ब्रिजभूषण पर उनको आपत्ति नहीं देखती। ब्रिजभूषण ने क्या क्या किया है, क्या क्या करा है, सारे पुलिस रिपोर्ट में है, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही। एनबी न्यूज़ सहज सरल भाषा नव भारत कथा।